कर पत्रकारों पर हमला। खबर बनाने गए पत्रकारों पर सरपंच पति व पुत्र ने किया हमला। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों पर हमला थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर कवरेज करने चाहता है और भ्रष्टाचार को उजागर करता है। शासकीय भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज को दबाने के लिए उन पर जानलेवा हमला करवाते ऐसा बरनगर तहसील के ग्राम किलोली में देखने को मिला, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दो पत्रकार ग्राम पंचायत किलोली में हुए भ्रष्टाचार की पड़ताल करने गए थे और सरपंच सचिव द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जानकारी ग्रामीणों से ले रहे थे। तभी वहां पर सरपंच पति ओंकार सिंह पिता जुजार सिंह आया और पत्रकारों के साथ अभद्रता करते हुए गाली गलौज करने लगे। पत्रकार जब अपना वाहन लेकर जा रहे थे, तभी सरपंच का पुत्र गोवर्धन सिंह अपनी बुआ के लड़के नरेंद्र सिंह पिता देव सिंह डोडिया के साथ मोटरसाइकिल पर आया और मीडिया कर्मियों के सामने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर पत्रकारों के साथ गाली गलौज व धक्का मुक्की करने लगा। और पत्रकार मयंक गुर्जर खबर 100 जिला ब्यूरो चीफ व आईबीएन 9 न्यूज चैनल के जिला रिपोर्टर अजय नीमा निवासी उज्जैन के साथ हाथापाई पर मीडिया कर्मियों को उनके बाइक से गिरा दिया, जिससे उन्हें चोट आ गई। पत्रकारों ने इंगोड़िया थाने पर पहुंचकर सरपंच प्रतिनिधि ओंकार सिंह पिता जुजार सिंह, गोवर्धन सिंह पिता ओंकार सिंह, नरेंद्र सिंह पिता देव सिंह निवासी किलोली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि पत्रकार अपनी सुरक्षा के लिए कब तक जूझते रहेंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ को शीघ्र ही पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जिससे पत्रकारों पर हमले को रोका जा सके, अन्य प्रदेशों की सरकार द्वारा सुरक्षा कानून लागू किया जा सके। अन्य प्रदेशों की सरकार द्वारा सुरक्षा कानून लागू किए जा चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया है, जिसके कारण हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई हमले तो पत्रकारों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है और उज्जैन जिले में इस वर्ष कई पत्रकारों पर जानलेवा हमले हो चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अब देखना यह होगा कि लगातार पत्रकारों पर हो रहे हमले को लेकर प्रदेश सरकार क्या कदम उठाती है। क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ? मैं उनको शिकायत मिली थी कि ग्राम किलोली जो बड़नगर तहसील के अंतर्गत है, यहाँ पर शमशान घाट में सचिव और सरपंच द्वारा एक घोटाला किया गया है कि 12 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, इसमें उसके पूरे निर्माण पूरा नहीं होते हुए और उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। सर, हम खबर बना रहे थे, खबर बनाने के बाद हम चौराहे पर बैठे थे, चाय पी रहे थे। चाय पीने के बाद हम जाने ही वाले थे और सरपंच पति आया और गाली गलौज करने लगा, आप कैसे यहाँ भी खबर बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो और किससे पूछ के आया हो वगैरह वगैरह। और इतने में ही सरपंच का पुत्र और उनका भानेजा आया, वो आके सिरे चाकू खोला और हमारी गाड़ी रोकी उसने और मेरे को पीछे से यहाँ मारा और हमारे जो साथी है उनको लात मारी और गाड़ी सहित नीचे गिर गए सर, जिसको लेकर हम आज इंगोरिया थाने पर पहुँचे और FIR दर्ज करवाई है। अजय नीमा। अजय जी, आप कहाँ गए थे? मैं एक समाचार बनाने गया था। मैं ग्राम किलोली जो कि इंगोरिया थाने के अंतर्गत आता है, वहाँ पे ग्रामीणों द्वारा मुझे शिकायत मिली थी कि यहाँ पर शमशान घाट निर्माण को लेकर भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इस भ्रष्टाचार की खबर जब मैं बनाने गया, मैंने पूरी खबर कवरेज कर ली। जब मैं वहाँ पर चौराहे पर बैठा हुआ था और चौराहे से जैसे ही मैंने गाड़ी उठाकर बाइक स्टार्ट करके मैं वहाँ से निकला, तो सरपंच पुत्र और सरपंच के जो पति हैं उनके द्वारा मुझ पर हमला हुआ है। उन्होंने लात घूंसे से मुझे हमला किया है और सरपंच का जो भानेज है उनने चाकू निकाल कर मुझ पर दौड़ा है और इसमें बीच बचाव में ग्रामीणों ने हमें वहाँ से भगा दिया और वहाँ से हम लोग निकल आए हैं, जिस पर हम यहाँ पर थाने पर आए हैं और FIR दर्ज करवाई है। हुआ है, किस तरह का प्रकरण दर्ज किया गया है पुलिस द्वारा? आज ग्राम किलोली में अपने IBN 9 अजय नेमाजी और मयंक गुर्जर खबर 100 के दोनों पत्रकार शमशान में किसी घोटाले की खबर का कवरेज करने गए थे। वहां पर गांव के सरपंच पति जो हैं ओंकार सिंह, इनके लड़के गोवर्धन सिंह और भतीजा है इनका नरेंद्र सिंह, इन लोगों द्वारा इनके साथ में रोककर मारापीटी की गई। खबर बनाने की बात पर उन्हें बहस हुई और इस बात को लेकर
गांव वालों ने इनको घेरा और वहां पर 100 नंबर की सूचना पर इन लोगों को बचा के लाया गया। और अजय नेमा जी की तरफ से थाने में अपराध क्रमांक 397/19 धारा 323/506/2/94 का अपराध नंबर किया गया है और यथाशीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी कर दी गई। थैंक यू सर।